हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में तो इतने मसरूफ हो गए हैं और पैसे कमाने के चक्कर में इस कदर अंधे हो गए हैं कि हमें ये नहीं मालूम। वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है, आप यहाँ पे आते ना पूरी लाइफ फ्लैश हो रही होती है आपके सामने। कि कुछ ऐसे बुजुर्ग लोग हैं और हमारे माँ बाप हैं जो हमारी राह देख रहे होते हैं। आज की इफ्तारी बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज मेटा फूड गया था दारुल सुकून स्पेशली वहाँ के लोगों के साथ इफ्तार करने के लिए। वो लोग जो अपनी औलादों से महरूम हैं, वो लोग कि जिनकी औलादों ने उन्हें यहाँ पे छोड़ दिया है। सोचा कुछ मुस्कुराहटे ही बांटे क्योंकि हमारा यही तो काम है। आई होप आपको ये ब्लॉग आए पसंद। अस्सलाम वालेकुम फूडी पीपल, कैसे हैं आप लोग। आज की इफ्तार बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज ना तो मैं रोड साइड पे इफ्तार कर रही हूँ और ना ही मैं कोई कराची की ऐसी शोर उगल वाली जगह दिखा रही हूँ, बल्कि मैं नुमाइश पर आई हूँ और नुमाइश पे है लोकेटेड क्या, ओल्ड एज। आज मैं जो इफ्तारी करूंगी ना वो मैं करूंगी सारे बड़े बूढ़ों के साथ। और मैं कहानी अगर वो मुझे बता दे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, लेकिन वो लोग जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अकेले फील करते हैं, मैंने सोचा क्यों ना कि आज की इफ्तारी मैं उनके साथ करूं और आज का दिन मैं अपना उनके साथ डेडिकेट करूं। तो हम मैं दारुल सुकून में आए चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो हम लोग एंटर आ चुके हैं और इस इफ्तारी की सबसे खास बात यह है कि लास्ट ईयर आपने देखा था कि मैं दारुल सुकून में ऑर्फनेज बच्चों के साथ इफ्तारी करने के लिए गई थी और साथ में ले गई थी बहुत बड़ा सा पिज्ज़ा फ्रॉम द बिग पिज्ज़ा। तो भाई आज भी उनके साथ मैंने ये दोबारा से इनिशिएटिव लिया है कि क्यों ना इस बार की इफ्तारी हम करें बड़े बूढ़ों के साथ। यहाँ पे हम आए हैं ओल्डर पीपल होम दारुल सुकून में आए हैं, तो इंशाल्लाह गाड़ी आने वाली है पिज्जा लेके, फिर इंशाल्लाह सर्व करते हैं, देखते हैं यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा लगता है, यहाँ पे लोगों की कैसी एक्साइटमेंट होती है हमें देख के, पिज्जा खा के देखते हैं कि क्या होता है, वो फिर आगे पता चलेगा अजान के टाइम इंशाल्लाह। मैंने कहा थोड़ा सा मैं भी काम कर लूँ। अच्छा, मोमेंट ऑफ द ट्रूथ, एवरी पिज्जा लवर को जो है ना वो देखना होता है कि पिज्जा कैसा दिख रहा है। ओके, तो देख के तो द बिगेस्ट रिवील, ओ माशाल्लाह भाई ये देखें जरा, एक्सीलेंट। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, द बेस्ट थिंग अबाउट पिज्जा इज द चीज़ एंड द फिलिंग। और इस चीज़ में ना यार ये लोग बहुत 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 क्रेजी फिलिंग करते हैं, दे आर एक्चुअली वेरी गुड एट इट एज वेल। अच्छा, मैं आपको ये भी दिखा दूँ कि ये सॉफ्ट क्रस्ट है, ऐसा नहीं है कि हमने बच्चों को सॉफ्ट जो है ना सॉफ्ट क्रस्ट दिया था चीज़ फिल्ड क्रस्ट के साथ, ये इधर भी है ये देखें। प्लस इसकी फिलिंग बहुत ज़्यादा मज़े की लग रही है, ये देखो ज़रा, ओ माई गॉड, आज तो पार्टी होने वाली है लोगों की। आई एम ऑल्सो ग्लैड। और ये जो चेहरे पे खुशी है ना, ये सिर्फ इस वजह से है क्योंकि लास्ट ईयर मैंने बच्चों के साथ रमजान पे इफ्तार किया था और इस साल जो है मैं सारे एडल्ट और बड़े लोगों के साथ करी हूँ, क्योंकि हमें नहीं पता व्हाट इज़ देयर स्टोरी, बट एटलीस्ट मैं यहाँ पे स्माइल तो स्प्रेड कर रही हूँ ना, और नहीं तो क्या। तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे और हम इन सब के साथ मेरे का सामान कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिस्टर फजीलत है और मैं यहाँ पे ब्रांच मैनेजर हूँ और ये दारुल सुकून की ही ब्रांच है, सीनियर सिटीजन होम। और यहाँ पे तकरीबन 120 मेल और फीमेल हैं। रमज़ान आते हैं एक शेड्यूल बन जाता है और हमें बहुत अच्छा लगता है कि लोग आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, डेली हमारे पास इफ्तार आती है और हम कोशिश करते हैं कि मतलब अच्छी तरह से इनके सेहरी और इफ्तार करवाई जाए। सीनियर्स हैं, बुज़ुर्ग हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारी माँ हैं, हमारे वालदैन हैं, ये आज जो कुछ भी हम हैं अपने वालदैन की वजह से हैं। मेटा फूड के लिए मैं पैगाम देना चाहूँ कि बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम इंतज़ार में थे कि बिग पिज़्ज़ा हमारे पास कब आएगा, कि व्हाट इज़ अ बिग पिज़्ज़ा, इट्स रियली अ बिग पिज़्ज़ा। अच्छा, यहाँ पे जो है ये सारे सीटेड हो गए हैं, वैसे बड़ा मज़े का है। सब लोग वो कहते हैं ना जब आप छोटे होते हैं तो बड़े हमें डिसिप्लिन कर रहे होते हैं, और यहाँ पे सारे बड़े बच्चे जो है ना इस वक्त डिसिप्लिन होके बैठे हुए हैं। ओके, तो अब हमारी सर्विंग यहाँ पे शुरू हो गई है। अच्छा, हम लोग इसके जो है वो दो पीसेस इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका माशाल्लाह 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 रोज़ा है, एंड ऑब्वियसली इट्स बोथ, हम लोगों की यहाँ पे कैथलिक कम्युनिटी भी है एज वेल एज मुस्लिम कम्युनिटी भी है, तो दोनों मिल के जो है एक साथ यहाँ पे टेबल पे इफ्तार कर रहे होते हैं, विच इज़ द बेस्ट थिंग एवर। तो आज हम भी करेंगे, तो इन्होंने आपने मेरे साइज़ का मुझे दे दिया है। ये मैं फिर अपनी पसंद की टेबल पे रख रही हूँ ज़्यादा वाला स्लाइस, ठीक है। आपका रोज़ा है ना, बस वेरी नाइस, थैंक यू। और किसका रोज़ा है यहाँ पे? अच्छा भाई, उनका भी रोज़ा है, और किसका है? मेरा भी है। अब चलते हैं सर्विंग की तरफ। अच्छा भाई, सबका रोज़ा भी खुल चुका है, अजान हो गई है यहाँ पे और हम भी अपना रोज़ा खोल रहे हैं इनके साथ। माशाल्लाह सर्विंग हो चुकी है यहाँ पे, ये लोग खा रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं। जाहिर सी बात है ये हमारे बड़े हैं, इनके साथ ज़्यादा मस्तियाँ नहीं कर सकती मैं, लेकिन आई होप आपको ये व्लॉग आ रहा होगा पसंद आए। चलें मेरे साथ रोज़ा तो खोलें ज़रा हार के। अच्छा भाई, अभी जो है वो बेसिकली जा रहा है पिज्ज़ा ऊपर, ईडी भाई जो है ये ऊपर के लिए पिज्ज़ा भिजवा रहे हैं। अच्छा, वैसे बड़ों की खुराक बच्चों से ज़्यादा है।
माशाल्लाह ये पूरा हमारा सारे लोग बैठे हैं 31 मतलब ऐसे लोग हैं जो कि बैठ से अपने उठ नहीं सकते बिल्कुल, तो उनके लिए जो है अलग से प्लेट बनाई है जो बस चले ऊपर ही चलते हैं फिर। हाँ चले ऊपर ही। ओके आ जाएं, आ जाएं, आप भी आ जाएं। मैंने सिस्टर को बोला कि आप पिज्जा खाएं, हम भी पिज्जा खा रहे हैं और अब हम चल रहे हैं ऊपर। बिस्मिल्लाह। अच्छा मुझे बताएं ऊपर के जो भी लोग हैं या रेजिडेंट हैं जो भी, वो कौन कौन है? यहाँ पे जो फर्स्ट फ्लोर है, हाँ जी, ऑन कंप्लीटली फॉर द फीमेल, ठीक है, ऑल द फीमेल्स आर डाउन, ठीक है, एंड देन वी हैव अ आईसीयू। ओह अच्छा, कि मुझे कट करने में आसानी हो। एक और ये लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज मेरे लिए बहुत सारी दुआ करनी है आपने। हेरा है मेरा नाम, ठीक है? क्या नाम है? हेरा। माशाल्लाह सबसे अच्छी ये चीज़ है कि वो कहते हैं ना कि आप जिस भी सिचुएशन में, आपको हमेशा जो है वो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। हाँ जी थैंक यू। बस लेट जाएं चले। वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है, आप यहाँ पे आते ना पूरी लाइफ फ्लैश हो रही होती है आपके सामने। आप अल्लाह शुक्रिया शुक्रिया। मेटा फूड और बिग पिज्जा जो है वो साथ में आपके लिए लेकर आए, और आप लोग मेटा फूड के लिए, मेरे लिए, हमारी पूरी टीम के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा, ठीक है? खा लिया आपने? ये अच्छा है कि यहाँ पे वेंटिलेशन भी है तो इजीली वो लोग बाहर भी देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है एंजेलिना नदीम और मैं दारुल सुकून हेड ऑफिस में एज अ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट काम कर रही हूँ, और आज मैं आई थी दारुल सुकून सीनियर सिटीजन जहाँ पर मेटा फूड और द बिग पिज्जा ने कोलैब। बस यही होता है कि मैं तो आप लोगों से भी बोलूंगी, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि अगर लिटरली आपको अपनी फीलिंग्स रिवाइव करनी हो या वापस से आपको चाहिए कि एक, वो कहते हैं ना कि एक किक मिले आपको कि यार हम जिंदगी में करके आ रहे हैं, ऑल यू गाइस हैव टू डू इज कि आप यहाँ पे आए, इनके साथ एक दिन तो स्पेंड करें, पूरी लाइफ आपकी जो है वो फ्लैश हो रही होगी आपके आगे और आपको एक मोटिव मिल जाएगा, एक रीजन मिल जाएगा कि अब आगे क्या करना है। तो थैंक यू सिस्टर, ये मेरा सेकेंड टाइम है कि मैं इधर आई हूँ। मैं पहले बच्चों के पास गई थी और बच्चों के साथ तो मैंने बहुत इंजॉय किया था, यहाँ बड़ों के साथ आके मैं इतनी इमोशनल हो गई हूँ, क्योंकि यहाँ ऑफकोर्स ऐसी बहुत सी फैमिलीज होंगी जो अपनी अम्मा को, अब्बा को, बहनों को, कोई भी, सबको छोड़ के यहाँ पे जाते होंगे विथ टीनी टाइनी बिट्स ऐसी रीज़न के, अगर वो रीज़न हमें पता चले तो हम इस पे बोलेंगे, हम हंसेंगे लिटरली। लेकिन वो कहते हैं ना एक जुमला होता है जो हर कोई कहता है, हम मजबूर हैं, मजबूर कोई नहीं होता, किसी के पास कोई रीज़न नहीं होता, बस आपके पास रीज़न ये होता है कि आपने करना कुछ नहीं होता। आई एम गोइंग टू एंड माई ब्लॉग, फिर आपसे मुलाकात होती है एक और मज़ेदार से फूड ब्लॉग में। दिस इज़ मी हिरा और आज मैं बिग पिज़्ज़ा को इधर लेकर आई थी यहाँ पे अपने साथ तारी करने के लिए, दारुल सुकून जो ओल्ड एज होम है वहाँ पे, और माशाल्लाह मुझे बड़ा मज़ा आया क्योंकि लास्ट ईयर से एक इनिशिएटिव मैंने लिखा था जिसका स्टार्ट लिया था मैंने, एक चीज़ के ओजी होते तो करना तो बनता है ना फिर, और मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। टिल देन खुदा हाफिज़।